रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बताया गया है कि यह विवाद दोपहर तकरीबन 12 बजे से शुरू हुआ था, जिसके बाद शाम को आए नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल पंप में जमकर तोड़फोड़ की है और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची सुहागी पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक त्योधर तहसील के सुहागी थाना अंतर्गत रामपुर मोड़ पर संचालित जयसवाल पेट्रोल पंप में दोपहर कुछ युवकों का विवाद हो गया था। बताया गया है कि पेट्रोल डलवाने के दौरान युवक सिगरेट पी रहे थे। इस दौरान कर्मचारी ने सिगरेट पीने से मना किया तो युवकों ने पहले गाली गलौज की और फिर इसके बाद हाथापाई पर उतर आए। किसी प्रकार से मामला शांत हुआ और सभी युवक वहां से चले गए। बताया गया है कि उसी दिन शाम को तकरीबन 6:30 बजे चार की संख्या में एक बार फिर युवक लाठी डंडे से लैस होकर आए और पेट्रोल पंप सहित कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया है कि सभी युवक नकाबपोश थे। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर सभी युवकों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि तराई के सोनौरी पुलिस चौकी क्षेत्र के ज्यादातर युवक बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा एक गैंग तैयार की जा रही है। पूर्व में भी इनके द्वारा अपराध किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। सफेद कुर्ता पैजामा देख लो, गाड़ी में कहीं ना कहीं बैठा होगा सफेद कुर्ता पैजामा। हाँ, वो सुशील पांडे के बाप का नाम क्या है? सुशील पांडे भी नहीं। सर, सुहागी में पेट्रोल पंप में मारपीट की घटना हुई है, क्या है? दशहरे वाले दिन जो है कि कुछ लोग पेट्रोल पंप के पास बैठ करके धूम्रपान कर रहे थे, तो पेट्रोल टंकी के जो कर्मचारी थे उनने उनको मना किया और इसी बात पे उनका विवाद हो गया। फिर वहाँ से वो चले गए। जाने के बाद कुछ लोग अपने इकट्ठे करके और फिर ला करके उसी विवाद को लेकर के पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की और मारपीट किए थे। इसमें चार लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अन्य जो है उसमें चार लोग अन्य हैं जिनके नाम अभी उसने बताए नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति को जो है अभी अभिरक्षा में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हुई है और जल्दी ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे।